दोस्तों अभी मैं नेपाल में हूँ और नेपाल में यह परछौनी गांव है। नेपाल में मैं आप सबों को बहुत भ्रमण करवाऊंगा। जनकपुर जो एक जगह जानते होंगे जहाँ पे सीता मैया का पालन पोषण हुआ था, वहाँ पे उनका परवरिश हुआ था। मिथिला का राजधानी है जनकपुर और उसी जनकपुर में सीता मैया का लालन पालन हुआ था, वहाँ पे उनका परवरिश हुआ था। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये परछौनी गाँव है। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सीता जी के विवाह के दौरान परिछन हुआ था, जो विवाह के दौरान एक रीति रिवाज है परिछन होना, वो परिछन हुआ था यहाँ पे सीता मैया का। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसी गांव के निवासी हैं, नेपाल में रहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? राम इकबाल मंडल। आप हिंदी जानते हैं या केवल मैथिल बोलते हैं? मैथिल बोलते हैं, हिंदी तो नहीं। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, हमारे भारत देश में हिंदी भाषा सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन एक पवित्र भाषा मैथिली बहुत ही सुनने में मधुर होता है। कहीं भी जाएंगे और मैथिली जब आप सुनेंगे तो मन आनंदित हो जाता है। खास करके मिथिला में वो भाषा का उपयोग किया जाता है, मैथिल भाषा का। तो यहाँ पे भी क्योंकि सीता मैया का ये रहने वाला जगह है, जो सीता मैया का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था अपने बिहार में, और उनका लालन पालन यहाँ पे हुआ था, तो मैथिल भाषा यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये लोग हिंदी नहीं जानते हैं लेकिन मैथिल जानते हैं। तो यहाँ पर की भले रहा, एकर की खासियत है इस जगह का? खासियत है छमन जना जन्म वो तो भले पोषण पालन जना भले जनकपुर में। अच्छा। जय टाइम में शादी विवाह जब भले नहीं तो अठमन की कहे छे परिछन भ क तक बाधे अठमन से विदा जनकपुर के भले तब ओम से की कहे छे। अच्छा, गाँव का नाम की छे जहाँ पर हम सब मौजूद छे अभी? अभी ये गांव के परिछन एठम भेल छे लेकिन नाम एकर परकौली धरायल छे। अच्छा। वही नाम पर परकौली गांव ही छे। अच्छा, तो मतलब सीता मैया का परिछन भेले रहे? जी जी हाँ। अच्छा। तो उन वही तरह से परकौली गांव ही भेले। दोस्तों बहुत ही पावन जगह है और आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम भारत से दूसरे देश में आए हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है और खास करके आपको ये थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि हम लोग विदेश में। तो बहुत ही भव्य जगह, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो भी दार्शनिक स्थल है और क्या खासियत है, खास करके सीता मैया से जुड़ी हुई यहाँ पे क्या कहानी है, आप सबों को फिर से बताऊं। तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।